श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत कौन संभालेगा दिल्ली की कप्तानी। दिल्ली कैपिटल्स के अधिकारी ने दिया है बड़ा बयान। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके स्पोर्ट के और नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि श्रेयस अय्यर या ऋषभ पंत कौन संभालने वाला है IPL फेज 2 के लिए दिल्ली की कमान। तो दोस्तों पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और अगर आप भी CSK टीम को अच्छी टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों IPL 2021 फेज 2 की शुरुआत 19 सितंबर से होने जा रही है UAE में। जब ये टूर्नामेंट होगा तब इस बार दिल्ली कैपिटल्स के लिए श्रेयस अय्यर भी उपलब्ध रहेंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि अय्यर टीम में कप्तान के तौर पर वापसी कर पाएंगे या ऋषभ पंत ही टीम की कमान संभालेंगे। इस मामले पर दिल्ली कैपिटल्स के टीम मैनेजमेंट की तरफ से बड़ा बयान आया है। श्रेयस अय्यर इंग्लैंड के भारत दौरे पर चोटिल हो गए थे, जिसके कारण वो अप्रैल में शुरू हुए IPL का हिस्सा नहीं बन पाए थे। आनंद फानन में मुख्य कोच रिकी पोंटिंग ने युवा क्रिकेटर विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को टीम की कमान संभालने का निर्णय लिया था। अब जब UAE IPL के बाकी बचे हुए मैचों की शुरुआत होगी तो श्रेयस अय्यर पूरी तरह से फिट होने वाले हैं और उसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे। दिल्ली कैपिटल्स के एक अधिकारी ने कहा है कि इस पर मैनेजमेंट ने अभी निर्णय नहीं लिया है। माना जा रहा है कि रिकी पोंटिंग ही इस संदर्भ में अंतिम निर्णय दे सकेंगे। वे जल्द ही IPL के बाकी बचे हुए मैचों का हिस्सा बनने वाले हैं और UAE पहुंच जाएंगे। अय्यर पहले ही यह कह चुके हैं कि उन्हें नहीं पता है कि मैनेजमेंट उन्हें आगे कप्तानी के जिम्मा सौंपेगी या नहीं। अभी आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है कि दिल्ली की कप्तानी आगे कौन संभालने वाला है। तो दोस्तों आज की अपडेट में इतना ही। आपको क्या लगता है, ऋषभ पंत या फिर श्रेयस अय्यर IPL फेज 2 के लिए किसको मिलनी चाहिए दिल्ली की कमान? आप अपनी महत्वपूर्ण राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करें तथा क्रिकेट जगत की अन जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।